सो अच्छा भाई, उनके सारे उपसो सारे के सारे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। तो फाइनली आ चुके मम्मी के साथ एक और एपिसोड लेके। बेसिकली ये हिप हॉप रिएक्शन है, मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ और मेरे को इसका करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि यू नो यंगस्टर्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और ये लाइक मेरे को सबसे ऐसा वीडियो लगा जो स्टोरी टेलिंग बना था, बहुत ही यू नो दिमाग लगाने वाला वीडियो और मैं पहली बार मैं समझ नहीं पाया था। बट हम आज मम्मी के साथ लेके आए, देखते ये कितना उलझती है इस वीडियो को लेके। और टाइम देना, धीरे धीरे यू नो ये भी धीरे धीरे करके हमारे साथ हिप हॉप में जुड़ जाएंगे, जो वीडियो हमको लगेंगे दिखाने जैसे हम दिखाएंगे। तो यस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो 50 लाइक्स का टारगेट है, कर देना नीचे। ओके लेट्स गो। सो ये जो जो दो आर्टिस्ट है ना, तला अंजुम और तला यूनिस, दोनों पाकिस्तान से बेसिकली और पाकिस्तान के दी बेस्ट रैपर्स है अपने यहाँ से, जैसे एमी वे हो गया, डिवाइन हो गया, ये सब ना उनके यहाँ से ये है। और ये फर्स्ट इनका जैसा वीडियो है जिसमें बहुत स्टोरी ऐसे है, तो मैं तुमको बीच में थोड़ा बताते जाऊँगा कैसा करना है, मतलब क्या है इसमें। ये बिग है, मतलब बिग ब्रदर है तला यूनिस, डांस करने जैसा ट्रैक ही नहीं है और ये डीप जैसा कुछ है। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ। बेसिकली तो जैसे वो बाइक गुजरी ना तो वो गायब हो गया बेसिकली, समझे, तो वो दिखता नहीं दुनिया को। मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली वो कौन है। ये जो तला अंजुम है छोटा भाई है, मतलब एक्चुअली ये दोनों ब्रदर्स है या फिर बहुत अच्छे मतलब दोस्त लगते थे, भाई जैसे मानते एक दूसरे को। तो इसकी स्टोरी अलग है, उसकी स्टोरी अलग है, वो दोनों कंबाइन होंगे आगे चल के, मैं तुमको बताऊंगा। दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ। If I were you and you were me, I would forgive you, जैसे तू हो एक सुरंग में, उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी। That's how I see you, खुद को मेरी नजर से देख। If I were you and you were me, if you लड़की को डेडिकेटेड है। ऐसे टूटता के टूटते हैं तारे क्या, वो आज भी है मुंतजर, मुख्तसर एक मुलाकात का, फिर कभी मिल पाए ना। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से जवाल देखे। ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो आवाज है ना एकदम कड़क और ऐसे नशे जैसी लगती है तुमको, और बेसिकली लोग पसंद भी करते हैं, जो नशीले लोग होते हैं और मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, उनको इनके सॉन्ग्स बहुत अलग टच देते हैं, अपने को पसंद आएंगे। बहुत ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक, हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे, जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ धो, गाने गाए बहुत, दिल दुखाए बहुत, ना तुम्हें आए शर्म ना हमें आए मौत, मैं सेन हूँ इस मिनट नेक्स्ट मिनट आई एम साइको, इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो, ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है, सेंड माय चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए, अगर बिल्स मर्द के अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर। और एक इस चीज में एक और भी चीज है कि हर एक लिरिक्स जो होता है ना उस पे पर्टिकुलर इनने ना बहुत वो बिठाया है, क्या बोलते हैं उसको, वीडियो भी उसी हिसाब से बनाया। और इसमें जो बड़ा भाई नहीं है तला यूनिस जो दिखाया, वो खुद एक्चुअली कोई कोर्स वोर्स कर चुका है, तो उस हिसाब से ये पूरा डायरेक्ट भी उसी ने किया, मतलब प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ उसने किया हुआ है। वैसे पूरी टीम है इनके पास, ऐसा है जैसे मर्द के अलग होते कायदे, तो उसमें लड़की से झगड़ रहा है, फिर मेरे हाथ में कला, कलम और शौक, तो कलम, कला और शौक तो उसमें है ही, तो कल और उसने ना उसी जगह पे हाथ भी दिखाया जहाँ पे वो ड्रग्स बेच रहा था। जैसे बहुत इनने लिरिक्स पे बहुत कुछ किया है, पर अभी स्टोरी आना बाकी है मेन। अलग होते कायदे, अगर कमाते नहीं तो मर दो तुम काय के, फ्यूचर दिखता नहीं है, फ्यूचर इज व्हाट आई से, वो साथ खाए कहना पड़ता नहीं वो भाई थे, आई डू अ डाई फॉर द गैंग, बिना लिखत पढ़त के किए हुए हैं ये मुआहदे, साल गिरा तब भी खड़ा था मैं माइक पे, गवा यार रवादार मेरे साथ, रहे सदा आबाद ये आवाज, I rap for a purpose, ये करियर a cause, you expect me to be perfect and I'm just full of flaws, कैसे लिखता हूँ ये verses, क्या करता हूँ महसूस, मैं बिना ताज का बादशाह got nothing to lose, I'm crossing lines just to cancel out the booze, अब ना दिल से निकले आरज़ू, जब से दिल से निकली आज ये एक्चुअली ड्रग्स ले रहा था और किसी और के साथ था, और इसकी गर्लफ्रेंड भी तभी रूम में आ गई ऐसे करके, समझे। दिल था मेरा गोशा है सुकून है, क्यों बन आ गई है ऐसे बाजार तू। ओह गॉड, ये मेरे को बेस्ट सीन लगा था, इतने बहुत अच्छे से शूट किया। अफसाने अब लिखता नहीं हूं, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूं, मत पूछो मैं कितना सही हूं, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूं,
बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ। इस स्टोरी से अपने को ये अब तक समझ में आ रहा है, जैसे मैंने पिछली बार ऐसे ही सोचा था कि ये कर्मा है, मतलब कर्मा ऐसा चीज जो अपन करते हैं, अपन इसी जन्म में भुगत के जाते हैं, तो वो हर चीज लिखता है। तो इसने बोले कि अफसाने अब लिखता नहीं, ऐसे करके बहुत वो चीजें लिख रहा था उधर और उनको पहाड़ के फेंक रहा था, मतलब जो तो मेन चीज ऐसा दिखा था, लोग ये बोल रहे थे कि ये एक एंजल है, ऐसे बहुत कंफ्यूजन चल रहा था। तो ये बेसिकली क्या करता है, वो जो भी बंदा करता है ना चीजें, वो सेम है लिखता है, समझी, ऐसे करके, और हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब मैं होता जरूर, उसने बोला ना कि मैं होता हूँ पर दिखता नहीं हूँ लोगों को, समझा, तो ऐसे मतलब उस टाइप का बंदा है। मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, समझे, पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, असर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े, पीछे हुए जाल बड़े, मेरी मिसाल चले, चाहते सारे चाल चले, थप्पड़ ये गाल पे, इंडस्ट्री पूरी पाल तेरे, नया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छाप तेरे, तलवे मेरे चाट तेरे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यारों ने जो ख्वाब देखे, पूरे करूँ आज अब इस हाथ में वो आग, बेटे पैसे में वो बात नहीं, जो इज्जत मेरी आज बेटे, इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, लिखारी जान लेवा, उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ूं जंग, सब वाकिफ है ये मैदान, मेरा रैप मेरी जान, मैं कराची के लिए जान दे रहा, ये लड़के लिखते मुझे दिखते अपने बार्स भाई, डरता नहीं गिरने से, बस दुनिया से नाराज भाई, आईने को तोड़ दे यूं जोड़ते अल्फाज भाई, लफ्ज कैसे तोलते जब भारी है आवाज भाई, दिल मेरा साफ, मैं इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई, फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई, सर अपना नोच रहे हम, सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपनों के खुशी के आंसू पोंछ रहे, आई एम अ रोल मॉडल आज बी ऑन द रोड, ए अंडरग्राउंड को लाया मेन स्ट्रीम वाले शोज में, डील होती क्लोज, उठते साथ मुझे होश नहीं, इंडस्ट्री मेरे लन पेपर नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं, रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं, डरते नहीं हम मौत से, मुसाफिर मत मेरे रोज भाई, आई एस गॉड व्हाई यू मेड फियर, सब्रो ना तू मेरे को बताना, ठीक है, यहां से देखो क्या समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखियो, नहीं रोजी रोटी लिखी ऊपर वाले ने अफसोस नहीं, डरते नहीं हम मौत से, मुसाफिर मरते रोज भाई, आई एस गॉड व्हाई यू मेड फियर, सब रोना चाहते बट वी हेट टीयर्स, I'm never sober, but I stay clear. तू देखना मेरे को बताना क्या से बार में जैसे शेक्सपियर, अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं, तू देख मेरी सादगी, दुश्मन को भी काम दूं, कैसे होगी बराबरी, लोग मेरी मेहनत, बीच में उसने एक लाइन बोली कि अरसे से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की, तारों को मैं नाम दूं, तू देख मेरी सादगी, तो उसका मतलब बहुत डीप था कि मतलब इनकी जो मॉम थी वो बहुत ही मतलब कम उम्र में चली गई थी, तो तारों को नाम देना मतलब वो हर तारे में अपनी मॉम को देखता है ऐसे, तो तारों को मैं नाम दूं, तू देख मेरी सादगी, वो उस पे बंदे रो गए थे बहुत मेरे, उसको वो लाइन मेरे को बहुत डीप लगी थी, वो भी काम दूं कैसे होगी बराबरी, लोग मेरी मेहनत का फल खाना चाहते आज भी, ये बातें नहीं कागजी, मैं खुद को देता दाद भाई, सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई, हाय सुंदर रूम मुझ तक पहुंचेंगे क्या खाक भाई, गाने की मैं धुन सिर्फ बीटों से करता बात, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, ये सीन ध्यान से देखिए, पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर कर, क्या समझ आता है उससे पता, इस चीज पे मैं बहुत गंदा अटका था, देखो क्या समझ में आया, उसको दिख गया था भी, मतलब वो भी एंजल बन गया इसीलिए, वो भी मर गया होगा, ओ समझ गई भाई, मम्मी समझ गई भाई, मैं नहीं समझ पाया था फर्स्ट टाइम में, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, वो कार से टकरा है ना जब, तो वो भी मर गया, हाँ तो उसने ऐसा बोला था कि भाई जब लोगों को मैं दिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ नहीं, मैं एंजल हूँ या कर्मा हूँ ऐसा, तो वो मर गया, तो ये उसके सारे चिट्ठे लिखता गया, तो बोलते ना जैसे मरने पर यमराज ले जाता है, तो वैसे हो सकता है यमराज हो, कर्मा हो, एंजल हो, कुछ ना कुछ हो सकते हैं ऐसा, तो ऐसा भाई सही है यार, सही है, तो रिएक्ट करवाना पड़ेगा मम्मी को इन पे, लाइक दिमाग तो है, करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, ऐसा मैं होता हर जगह पर दिखता नहीं हूँ ऐसा, बहुत डीप लगा मेरे को भाई ये, ओह डैम दिस वॉज हेल क्रेजी, एंड हमको बहुत मजा आया, तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत, है ना, वीडियो प्रेजेंस अच्छी लगी, 10 में से 10 मिलेंगे केस में, बिल्कुल
है ना, हम लोग पॉइंट्स देते हैं बेसिकली, बट ये फर्स्ट वीडियो है, हम लोग 30 में से पॉइंट्स देते हैं अच्छे अच्छे लिरिसिज्म पे, बट आज के लिए बहुत है, आज हमने बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्ट कर चुके हैं, एंड ये हमको लाइक एक ही वर्ड में भाई अमेजिंग लगा। तो मिलते तुमसे किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे के सब्सक्राइब दबा दो, हमें अच्छे से गाने बता दो यंगस्टर्स के, पाकिस्तान से जितने भी तुम्हारे, इंडिया से भी अच्छे बता सकते हो तो बताना, एंड मम्मी के लिए नीचे कमेंट्स कर देना। तब तक बस मिलते तुमसे किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड टाटा, थैंक यू सो मच। हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तो लिखता रहे बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, एम एल इलेवन विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन किया था बेक।